महिला को बंधक बनाकर तमंचे के बल पर की लाखों की लूट। कोतवाली बदोसराय क्षेत्र के गांव बरौलिया में बीती रात लुटेरों ने एक व्यवसायी के मकान में घुसकर नकदी समेत बेशकीमती जेवरातों पर हाथ साफ किया, जिसके संबंध में भुक्तभोगी ने कोतवाली बदोसराय में शिकायत दर्ज कराई है। मामला बदोसराय टिकैत नगर का है, जहां बरौलिया गांव के सीता देवी महाविद्यालय के पास रह रहे रामजी गुप्ता के मकान में बीती रात लुटेरों ने मकान के पीछे की कुंडी तोड़कर घर में घुसकर एक महिला संध्या गुप्ता को तमंचा लगाकर कमरे में नजर बंद कर दिया, जिसके बाद लाखों रुपए के बेशकीमती आभूषणों समेत नकदी पर हाथ साफ करके 9-2-11 हो गए, जिसके संबंध में पीड़ित रामजी गुप्ता ने कोतवाली में शिकायत दर्ज करा के कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इसके संबंध में कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि तहरीर ले ली गई है और मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, जिसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। लाइव 24 इंडिया न्यूज से ओमकार नाथ अवस्थी की रिपोर्ट। मुझे तो हमें जानकारी तो नहीं थी कि घर में कोई मतलब है, कोई घर के अंदर है। फिलहाल हम जब उठे बाहर यहाँ गैलरी में खड़े हुए हैं तो वो तीनों इस घर में से निकले और हमारे पास मतलब तुरंत मतलब बंदूक तान दिए हैं, बोले अगर शोर मचाओगे तो मार देंगे। तो हम चिल्लाए जितनी भी ताकत थी चिल्लाया, और उन्होंने हमको खींच के तमाचा मार दिया और कमरे में ढकेल दिए थे। फिर हम चिल्लाएं तो छोटी ली बेटे के ऊपर मतलब बंदूक धर लें, तो उसके बाद हम फिर हम कुछ नहीं बोल पाए। तो जितना मेरे पास सामान था, जेवर और रुपया पैसा सब उठा लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा। कितने बदमाश थे आप? चार।